आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। सुपौल रेलखंड पर आज एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन बढ़ाया गया, जिसको लेकर स्थानीय रेलवे स्टेशन पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि आमान परिवर्तन के बाद इस रेलखंड में अभी तक मात्र एक जोड़ी सवारी गाड़ी चलाई जा रही थी, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही थी। आज एक और नई ट्रेन के परिचालन शुरू होने से रेल यात्रियों में हर्ष का माहौल है। सुपौल से आकाश कुमार की रिपोर्ट। हमारे लोकप्रिय बिहार सरकार के माननीय मंत्री, सुपौल के विश्वकर्मा, बिहार के विकास पुरुष और सुपौल जिला को भारत के नक्शे पर लाने वाले हमारे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ विकास पुरुष आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, यहाँ उपस्थित सुपौल के जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी महोदय, हमारे समस्तीपुर प्रमंडल के डीआरएम साहब, सीनियर डीसीएम साहब, यहाँ उपस्थित हमारे एनडीए के नागेंद्र ठाकुर जी, जेडीयू के जिला अध्यक्ष श्री रामविलास कामत जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री राम कुमार राय जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष श्री विजय पासवान जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण, उपस्थित यहाँ एनडीए के सभी नेता कार्यकर्ता और यहाँ के नागरिक भाइयों, माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है जो हम यहाँ हमारे माननीय मंत्री आदरणीय श्री विजय प्रसाद जी इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। 1 दिसंबर को जब शुभारंभ हुआ था, उस पर हम लोगों को बहुत ही अभाव खपता था, जो हमारे माननीय मंत्री महोदय जिनकी यह देर है सुपौल जिला में जो ट्रेन चलाने का जो उदास उन्होंने जो काम किया और आज उस दिन में वो अस्वस्थ रहने के चलते वो उपस्थित थे, लेकिन आज मुझे काफी खुशी हुई नहीं हो रही है जो अपना हुए भौगोलिक समझ लेकर के इसमें भाग लेकर के हमारे क्षेत्र की जनता को उत्साहित कर रहे हैं। आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी की देन है जो आज सुपौल जिला में ये गेज कन्वर्शन हुआ, ट्रेन चल रही है और नई परियोजना जो सुपौल से गलगलिया चल रही है वह उनकी देन है। वह लंबे वर्षों से यह 3 परियोजना जो है सुपौल जिला का लंबित था। पहला सहरसा से लेके फारबिसगंज तक गेज कन्वर्शन, दूसरा आपको सुपौल से लेकर के गलगलिया तक नई लाइन का निर्माण और तीसरा सरायगढ़ से लेकर के सदी तक गेज कन्वर्शन। फंड के अभाव में 2008 में जो प्रलयकारी बाढ़ आई थी उसमें जो लाइन विध्वंस हो गया था, पुल भर गया था, उसके बाद जो है बहुत बधाई दूंगा और डीआरएम साहब से एक बात कहूंगा कि सरायगढ़ से आप चाहे असल कुकबा और तक ले जाए, फर्क भेज यानी मरी तक ले जाए, वो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। 1934 में जो रेलखंड ध्वस्त हो गया था, लगभग 84-85 साल के बाद उसका रिस्टोरेशन होगा। मैंने कहा कि रेल मंत्री को भी आपकी उपस्थिति अति आवश्यक है, 24 घंटा पहले खबर कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। इसलिए मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि उसकी तैयारी व्यापक तौर पर हो और जैसा कि आपके जनरल मैनेजर ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि मास्क कदम आसन आसनपुर कहा था और सरायगढ़ चला जाएगा इसी महीने के या मार्च तक, जो भी हो काम में थोड़ा विलम्ब लगता है इसलिए कि भौगोलिक स्थिति भी दूसरे देश की अपने इलाके की, लेकिन एक बात करके मैं बात खत्म करूँगा। डीआरएम साहब, 71 साल के आज़ाद भारत में आज भी अंग्रेजों की बनाई हुई ये रेल लाइन जिले को सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया, इसके बाद एक से एक लोग आए गए, क्या क्या लोग रहते हैं और ये पहली रेल लाइन 200 किलोमीटर की होगी आज़ाद भारत जो आज तक बनी नहीं।
पहली जो रेलवे लाइन होगी 200 किलोमीटर पे, मैं उसके लिए जैसे ड्राइवर और ने जिक्र किया, अभी डीजी साहब को बधाई दूंगा, जयंत साहब को भी दूंगा, इस बात का जिक्र करूंगा कि औरंगाबाद में 1000 मेगावाट का एक पावर प्लांट बना है रेलवे। 3 बार मेरे पास फाइल आई, मैंने उसको रिजेक्ट किया। अनुमति सर, ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग आप रेलवे भी करता है? तो सुरेश प्रभु जी थे रेल मंत्री, मुख्यमंत्री जी को उन्होंने फोन किया, क्योंकि वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में 2007 थे, उन्होंने हमारे पावर सेक्रेटरी से पूछा कि क्या रीजन है। कहा सर 2 बार ले गए, अब पूरा नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, कल का मामला क्या है। तो कहा वो कहते हैं कि सर उनका रेलवे बोर्ड का अपना एक है अंग्रेजों के जमाने का, उनको पहली सब्सिडी हुआ रेलवे बोर्ड का, रेल बोर्ड का आता था कि ये घाटे की लाइन हो। मैंने कहा गोयल साहब को सब रेलवे लाइन बम्बई में बनाइए, सब प्रॉफिट उठा होगा, ये कौन सा कंसेप्ट आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके बाद 9 महीने के बाद उनके चेंबर में मैं गया था, कहा कि आप लेट आए इसीलिए हमें इतना लेट हुआ, हम कहीं आपको अभी टिकट थे जब तक टिकट की जगह मैं गया। तो मैं आज फिर रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ, इस इलाके के लिए आज़ाद भारत के लिए